अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स को जो है ना देख रहे थे, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात की थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन बेसिकली अब हम जो है ना थ्री डायमेंशन में जा रहे हैं, तो अब हमारे पास एक्स वाई जी एक्सेस, ये तीनों एक्सेस आ रहे हैं। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन थी, बेसिकली जब हम 2D में रह रहे हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है, जिसमें हमारे पास सिर्फ ये एक रेक्टेंगल है, जिसमें हम 2D में सिर्फ इस लाइन बनती है। लेकिन जब हम 3D में आ जाते हैं तब हमारे पास लाइन के बजाय प्लेन बनता है, जो हमारे पास तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो वो हमारे पास प्लेन है जब हम 3D में जा रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन हमने देखी थी, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्स वाई जी जो है हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और ए बी सी डी हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है एक प्लेन की इक्वेशन बनाएगा। अब अगर हम प्लेन की पैरामेट्रिक फॉर्म देखें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपने शायद आप A2 में पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया हुआ है यही चीज। सेम पैरामेट्रिक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम ये एक्स और वाई है, हम इसको किसी और वेरिएबल की टर्म्स में लिखते हैं। सपोज हम टी की टर्म्स में लिखते हैं, 3t-1, तो ये हमारे पास 2t+1, इनको हम किसी और वेरिएबल की जब फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन में भी आप ये पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब हम इन प्लेन्स की इक्वेशन पे बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब प्लेन में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स वाई जी, तो अब हमारे पास एक एक्स होगा और हम जिस जो है वेरिएबल की टर्म में ले रहे हैं उसको हम टी कह रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा A T+L, बल्कि उल्टा लिख दिया, इसको हम कह रहे हैं LT+A, और y को हम कह रहे हैं MT+B, और z को हम कह रहे हैं, अब इसमें ये जो LMN है हमारे पास, ये बेसिकली इन, अब क्योंकि अब हम एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब टू वेरिएबल्स हैं, तो अभी मैंने बात की जब टू वेरिएबल्स हैं तब हम लाइन की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस एक इक्वेशन को देखें तो हम थ्री डायमेंशन में जो प्लेन बन रहा है उसकी एक्स एक्सिस वाली लाइन, उस पे जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन लाई कर रही है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर वाई की बात करें तो जो वाई एक्सिस पे लाइन है उसकी बात कर रहे हैं। और अब अगर आप सिंपल लाइन की इक्वेशन देखें, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या थी, वाई इज इक्वल टू MX+C, इसमें एम हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट, और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट था। तो अब इधर भी ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन, उस प्लेन की जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये हम उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एल हमारा उस लाइन का ग्रेडियंट है और ए हमारा जहां वो लाइन कट कर रही है। अब अगर हमने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को ज्वाइन करें तो हमारे पास, हम बेसिकली क्या ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने अब इन तीनों इक्वेशन में कॉमन क्या है हमारे पास, टी, तो अगर आप इसमें से टी को सब्जेक्ट बना लें तो टी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए ओवर एल, यहां पर टी हमारे पास क्या है, वाई माइनस बी ओवर एम, और यहां पर हमारे पास टी क्या है, जी माइनस सी ओवर एन। अब क्योंकि टी हमारे पास इक्वल है तो हम इन तीनों चीजों को, ये जो तीन हमने इक्वेशंस लिखी हैं इनको हम इक्वल रख सकते हैं, तो ये हमारे पास जब इन तीनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स माइनस ए ओवर एल इज इक्वल टू वाई माइनस पी ओवर एम इज इक्वल टू जी माइनस सी ओवर एन। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इसमें हमारे पास जो एल एम एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट, एम हमारे पास वाई एक्सिस का ग्रेडियंट, जी एन हमारे पास जो है वो जी एक्सिस का ग्रेडियंट। अब इधर अगर हमने कोई पॉइंट फाइंड करना है, अगर हमने इस इक्वेशन में कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो वो पॉइंट हमारे पास कैसे आ सकता है,
अगर देखें हमने कोई एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, हम उसको अगर आर सपोज कर लें, तो ये हमारे पास एक्स जगह हम आर लिख दें, तो 3r माइनस ए हम कर दें, तो ये हमारे पास वो पॉइंट होगा जो इस एक्स एक्सिस पे लाए करेगा। क्योंकि अब हम देखें जब हम इधर r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, बल्कि ये साइन ऑपोजिट हम लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 3 भी नहीं, ये आप l कर दें क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। अब अगर हम देखें हम इधर ये x इज इक्वल टू ये है, ये हमें कोई भी जनरल पॉइंट है इस x एक्सिस पे, तो जब हम इधर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह हम एल आर माइनस प्लस ए, फॉर्मूले में माइनस ए ओवर एल है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ हमारे पास, और ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ r बचेगा। तो अगर हमने इस पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी एक पॉइंट देखना है x एक्सिस का, y एक्सिस का, z एक्सिस का, तो हम उसको l उसका ग्रेडियंट जो है, r वो पॉइंट होगा जो हमने फाइंड करना होगा, और a हमारे पास ये जो है। लेकिन अब देखें इसका साइन चेंज है क्योंकि हम इसको कैंसिल करके हम सिर्फ r लाना चाह रहे, तो ये फॉर्म जो है ये हमने कैसे बनाई, ग्रेडियंट r और साइन चेंज करके हमने ये लिखा। तो अगर आपने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में कोई भी पॉइंट फाइंड करना है तो वो हम इस तरह फाइंड कर सकते। अगर एग्जाम्पल हम देख लें, इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब ये हमारे पास, इसको ये हमारे पास लिखी हुई इक्वेशन x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 = z + 1/1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और एक और प्लेन की इक्वेशन गिवन है 4x + 5y + 3z - 5 = 0। अब इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हमारे पास 3, 1, -2, 3, -2, 1, 2, -1, 3, हमारे पास है -1, -2, -3। तो ये हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने पहले बात की थी कि अगर हमने दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब यहाँ पे हमारे पास साइमल्टेनियसली सॉल्व तभी हो सकती है जब हमारे पास नंबर ऑफ अननोन इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास तीन अननोन है, एक्स वाई जी तीन अननोन है, और इक्वेशन हमारे पास दो है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने जैसे पढ़ा कि इस पे जो पॉइंट है जनरल इक्वेशन होगी पॉइंट की, अगर हम वो लिखें हमारे पास x क्या है। अब क्योंकि यहां हमने l और a की देख रहे थे, अगर हम इधर देखें तो l हमारे पास, x हमारे पास क्या है 3r - 3, y हमारे पास क्या है 2r + 2, और z हमारे पास क्या है, एक सेकंड, यहां पर सॉरी ये माइनस है, तो ये हमारे पास -2r, और z हमारे पास क्या है r - 1। तो ये हमारे पास एक्स वाई जी आ गए। अब अगर हम इन एक्स वाई जी को इस प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम एक्स की जगह इधर 3r - 3, वाई की जगह -2r + 2, और जी की जगह ये, तब हमारे पास जो इक्वेशन एक सिंप्लीफाई होगी उसमें सिर्फ हमारे पास अननोन आर है। तो हम इससे अगर हम ये तीन वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो अननोन है आर वो हमें आ जाएगा। तो r हमारे पास क्या आ रहा है, r देख लेते हैं इनका क्या आ रहा है, तो r हमारे पास आ गया है 2। आप डायरेक्ट इसको देख लेते हो हमारे पास 3, 4, 12 r, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो r हमारे पास 2 आ गया। अब r से हमने पॉइंट फाइंड करने हैं x y z, तब इन r को आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 × 2 = 6 - 3, मतलब पहला पॉइंट हमारे पास 3 है, मतलब कि ये दोनों तो गलत हो गए। अब सेकेंड पॉइंट में हमने जब इधर 2 डाला तो ये -4 + 2, तो ये हो गया -2, तो -2 हमारा इसका है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। अब ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं ये असल में पैरामेट्रिक इक्वेशन थी, ये असल में ये इक्वेशंस थी
इनसे ही हमने ये बनाया, इसको बेसिकली हम रिवर्स कर कर ये बना रहे हैं। देखिए हम असल में जो टी है उसको आर कह रहे हैं, आप इसको टी भी कह रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा वो पॉइंट है जो नॉन पॉइंट है इसका, तो वो हमारे पास यहां से आ रहा है। हम इसी को पहले हमने इसमें चेंज करके ये इक्वेशन लिखी, अब हम जब इसमें पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको दोबारा एक्स वाई जी को अलग अलग टर्म्स में लिख रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है पैरामेट्रिक फॉर्म थी प्लेन की इक्वेशन की। अब थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हमने देखा था डायरेक्शन को साइंस देखे थे हमने क्या होते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को कह दे वो, अब वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई जी एक्सिस आर। ये हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं एक्स वाई जी पे, उसने दी हुई है 12, 4 और 3। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन को साइन। हमने लेंथ फाइंड करनी है एंड डायरेक्शन को साइन ये हमने फाइंड करने है। तो हमारे पास उसने ऑप्शन दे दिए हैं, पहले लेंथ हमारे पास उसने दिया 13 और डायरेक्शन को साइन को वो इस एंगल में लिख रहा है 12 by 13, 4 by 13 और 3 by 13। भी हमारे पास है 19, ये हमारे पास है 11 और डी हमारे पास है 9। इधर डायरेक्शन से जाएंगे हमारे पास 12 over 19, 4 over 19, 3 over 19 और यहाँ हमारे पास आ गया 12 over 11, 4 over 11, 3 over 11। तो अब हमने इसके, ये हमारे पास प्रोजेक्शंस है पॉइंट के। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर हम प्लेन पे बात कर रहे हैं तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमें जो लाइन है प्लेन है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 12 पे, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है 4 पे और जी पे 3 पे कट कर। तो बेसिकली हमें उनकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां वो कट कर रहे हैं हमें ये 12, 4, 3 हमें ये पता है, ये बेसिकली एक प्लेन होगा, ये एक प्लेन होगा 3D में जो इस पे कट कर रहा है। तो अब अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ हमारे पास क्या था, लेंथ हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं, ये है ए बी सी, तो हम जब इधर अंडर रूट कर देंगे 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 13। तो मतलब लेंथ हमारे पास आ गई 13। तो अब आगे मतलब कि ये ऑप्शन तो सारे गलत हो गए, हमारा करेक्ट आंसर तो 13 मतलब ए आ गया। लेकिन अब ये डायरेक्शन के साइन हमारे पास है क्या, हमने बात की थी डायरेक्शन के साइन बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगल है जिस पे ये कट कर रहा है। तो अब हमें एक्स एक्सिस पे वो ये एंगल है, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे ये एंगल है, वाई एक्सिस पे हम बात करें तो वो ये एंगल है, या हम ये एंगल कह रहे हैं, और जी एक्सिस पे अगर हम बात करें तो जी एक्सिस पे हमारे पास वो एंगल हो जाएगा, ये जी एक्सिस है हमारे पास, ये जी है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो अल्फा है, बीटा है, और ये हमारे पास जो एंगल होगा असल में ये प्लेन है, तो ये इस तरह कट करेगा, तो ये जो एंगल होगा ये हमारे पास बीटा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, हम इसमें देखें, अगर हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वो प्लेन है, ये हमारे पास जी एक्सिस था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, तो हमें ये एंगल चाहिए था, ये हमें पता है 12 है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन फाइंड किया था जो हमारे पास 13 है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम क्योंकि कॉस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12 over 13, तो ये हमारे पास इसका जहां पे एक्स एक्सिस को कट रहा है वो ओवर उसका टोटल मैग्नीट्यूड। अगर आप कॉस को भी देखें तो कॉस बेसिकली हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालते थे, हम हाइपोटेनस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम ही ये है जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो ये हम इसको हर एक को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर उसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जहां वो कट कर रहा है एक्सिस को।
अब अगर एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू पॉइंट, हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है 2, 3 और -5, और वो कह रहे हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है, इसका आंसर हमें जो है जो भी हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात की है इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो बेसिकली हमें उसने अब पॉइंट्स दे दिए हैं और इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है हमारे पास कि उन सबका ग्रेडियंट हमारा सेम ही होना चाहिए, तो ग्रेडियंट सेम है हम उसको 1 कह रहे हैं। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास एक्स, अब क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास प्लस में है तो हम यहां पर माइनस करेंगे क्योंकि हम इसको ओवर हम 1 नहीं कर रहे हैं, इज इक्वल टू वाई माइनस 3/1 इज इक्वल टू जी प्लस 5/1। तो ये हमारे पास जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गई जो इन पॉइंट से पास कर रहे हैं और जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वली इंक्लाइंड में हमने उनका ग्रेडियंट सबका सेम कर दिया। इसको सिंपल अगर आप देखते तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये देखना है कि किनका ग्रेडियंट सेम है, तो सिर्फ यही एक आंसर था जिसका ग्रेडियंट सेम था, तो आप इसको बना भी सकते हैं। जो हमारे पास 3D ज्योमेट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसके इतनी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्योंकि थोड़े बहुत आते हैं तो उसको देखना जो है ना वो जरूरी है हमारे पास। इसके क्वेश्चंस काफी थोड़े से हैं, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हमारे पास हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू पॉइंट हमारे पास है 1, 2, 3 और उसने कहा है कि पैरेलल है हमारे पास, पैरेलल टू, उसने प्लेन दे दिया हमारे पास x+1/3 इज इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/4। तो ये हमें वो कह रहा है कि इसके पैरेलल हो प्लेन और इन पॉइंट से गुजर रहा हो। अब इसके पैरेलल का मतलब हमने उस दिन देखा था, पैरेलल मतलब कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो सेम हो, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे अगर हम इक्वेशन में x/3 आ रहा है इज इक्वल टू y/2 आ रहा है z/4 आ रहा है। अब यहां हमें क्या चाहिए, वो पॉइंट जहां पर वो कट कर रहा होगा, तो यहां पर क्योंकि प्लस है तो हम यहां पर -1 करेंगे, यहां पर हमारे पास प्लस है तो ये -2 और ये हमारे पास -3। तो ये हमारे पास वो प्लेन है जो इन पॉइंट से कट कर रहा है और जो पैरेलल टू दिस लाइन है, ये लाइन पैरेलल हमने कैसे देखा क्योंकि ये हमारे पास ग्रेडियंट थे तो इनका भी ग्रेडियंट हमारे पास सेम होना चाहिए, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हमें एक लाइन गिवन है 2x-3y+4z=12, हमने इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। अब इंटरसेप्ट्स होते क्या हैं, हम अगर सिंपल लाइन देखें अगर तो उसमें y इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास, जहां वो y को कट कर रहा है, तो जब हम 3D प्लेन में आ रहे हैं तो हमने 3 इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं, जो जहां x पे कट कर रहा होगा, जहां y पे कट कर रहा होगा और जहां z पे कट कर रहा होगा। अब अगर आप खुद ही सोचेंगे हमारे पास कोई प्लेन है, ये एक्सिस और ये कोई प्लेन है, तो ये अब हमारा प्लेन जब x एक्सिस पे कट कर रहा है तो यहां पर हमारे पास y भी 0 है और z भी 0 है, तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो हम y, जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो हमारा y भी 0 है और हमारा z भी 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x=12, तो हमारे पास x=6 आ गया। उसी तरह अगर आप y इंटरसेप्ट देखें तो ये हमारे पास x भी 0 z भी 0, तो ये हमारे पास -3x=12 y, तो ये y हमारा क्या आ जाएगा -4। z इंटरसेप्ट की बात करें तो ये हमारे पास 4z=12
और यहां से हमारे पास जी आ जाएगा 3। तो हमारे वाई इंटरसेप्ट क्या बने, 6 माइनस 4 और 3। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट हैं इस लाइन के एक्स वाई और जी एक्सिस। 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन देते हैं, अब हम 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अभी ये सेशन जाना एंड करते हैं।